हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट टिप्स रहते हैं उसके बारे में मैं आपके सामने थोड़े से अपने विचार रखना चाहूंगी। ओके फ्रेंड्स, वैसे तो आप अपने हिसाब से उसकी तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे जो इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स हैं, जो हिंट्स हैं, अगर आपके किसी काम के आ सकते हैं तो प्लीज आप उनको ऐड जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इसमें बात की जाए पीजीटी कॉमर्स के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट रहते हैं पीजीटी के, उन सभी पे जो है ये जो रूल्स हैं स्टडी करने का, ठीक है, जो मेथड है स्टडी करने का वो सेम ही रहता है। ओके, इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगी इस वीडियो में, सबसे पहले तो हम इसमें कुछ टिप्स जानेंगे, ठीक है। एक स्टडी मटेरियल के थोड़े से मैं हिंट दूंगी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऐप रहता है चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका नाम बताऊंगी। और पीजीटी बुक्स के लिए जो है आप कौन सी बुक जो है सेलर से प्रेफर कर सकते हो, और लास्ट में हम इसमें कॉमर्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उससे रिलेटेड जो मैंने कुछ जो टॉपिक है इसमें ऐड किए हैं और सब्जेक्ट वाइज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो स्टार्टिंग में जो है मैं आपको बता देती हूँ जो बाकी सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए और कॉमर्स वालों के लिए एक ऐप है वो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर, आप अपने फोन पे प्ले स्टोर में, ठीक है। उस ऐप का नाम है ई पाठशाला ऐप, ई पाठशाला PATHSHALA, ठीक है, पाठशाला ऐप। तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में लगा दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और उस ऐप में जो है मेन खासियत क्या है कि आप वहां पे प्लस वन प्लस टू की बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो उस ऐप में जो है आपको सारी बुक्स जो है एनसीईआरटी की सभी बुक्स मिल जाएंगी। आप आराम से जो है उनके जो सॉफ्ट कॉपी है वहां पे पढ़ सकते हो, ठीक है, अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। एमकॉम लेवल के जो बुक्स रहती है उनमें जो मटेरियल रहता है, उनमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट, वो भी जो है आपके आराम से बेसिक जो है बेसिक से क्लियर हो जाते हैं। जैसे कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स का जो फाइनेंशियल मार्केटिंग है, ठीक है, या फाइनेंशियल मार्केट है, तो वो आपका जो है प्लस वन प्लस टू की बुक्स में बहुत अच्छे से बिजनेस स्टडी में कवर किया है। तो आप वहां से वो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, हर एक चीज जो उन बुक्स में दी है उनके नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी सेम ही रहेगा आपका जो भी रहता है सब्जेक्ट। और कोशिश करिए कि जो इसमें पीजीटी के लिए जो मेन रहता है एक बीकॉम का सिलेबस, मीन आपका बीए बीकॉम बीएससी जो भी है, ठीक है, उनका सिलेबस जो आपके मेजर सब्जेक्ट है, कॉमर्स के लिए तो सारे ही मेजर हैं, ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट के जो भी मेजर सब्जेक्ट बचते हैं मेजर सब्जेक्ट रहते हैं उनकी आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, उनमें से अच्छे से आप कंसेप्ट जो है वहां पे क्लियर कीजिए। इस एग्जाम में मेन यही है कि आपके बेस कितने क्लियर है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, ठीक है, वही सबसे मेन रहता है, क्योंकि बेसिक सी चीजें पूछ ली जाती है और वही चीजें पूछी जाती है, हाई लेवल का भी पूछा जाता है लेकिन शुरू वो बेस से ही करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर बेस्ट बुक की बात की जाए पीजीटी की, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कईयों ने पूछा था कि पीजीटी के लिए कौन सी बुक बेटर रहती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जब मैंने ये एग्जाम दिया था तो मैं उस टाइम जेआरएफ के लिए प्रेपरेशन कर रही थी, ठीक है, तीन बार नेट क्लियर है, सेट भी क्लियर है, लेकिन मैं जेआरएफ के लिए प्रेपरेशन कर रही थी ताकि पीएसटी में एडमिशन मिल सके डायरेक्ट, तो उसके लिए उस टाइम मैं प्रेपरेशन कर रही थी और बीच में ही ये एग्जाम आ गया था, ठीक है, और ये फिल करके मेरा हो गया ये एग्जाम क्लियर। ओके फ्रेंड्स, तो ज्यादा मैं डिटेल में इसका एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगी। हाँ, इसका एक्सपीरियंस मैं, मेरा दूसरा चैनल है, अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो कुछ को पता है कि एक ब्लॉगिंग चैनल भी है मेरा, वहां पे एक ब्लॉग मैंने वैसे डाल दिया है, बहुत पहले का है वो, वहां पे आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस टाइम मैं काम पे हूँ, ठीक है, तो आप वो अगर वहां पे उसको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, इसका लिंक भी नीचे दे दूंगी आपको मैं, वो चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप वहां पे चाहते हो कि मैं एक्सपीरियंस थोड़े से वहां पे थोड़ा डिटेल में शेयर करूं तो कर सकती हूँ। ओके, और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं माई क्वालिफिकेशन के बारे में, मेरी क्वालिफिकेशन एमकॉम एमफिल बीएड है, 2016 में मेरी एमफिल कंप्लीट हुई थी और नेट सेट तो मैंने बता दिया, और बीएड जो आपका रहता है, ठीक है,
मीन जब मैंने बीएड करी थी 2014 में, तो उस टाइम जो था थोड़ा सा बीएड के एग्जामों में जैसे कि सी टेट हो गया, एचपी टेट हो गया, उसी में थोड़ा सा मैं उलझी रही थी, जिसकी वजह से अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाई। लेकिन बाद में थोड़ा सा मैंने ट्रैक पकड़ लिया था ये। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे हाँ मेन बात जो है रहती है पीजीटी बुक्स की। तो पीजीटी बुक्स के लिए जो है आपने जो है आप सेलर के पास जाओगे, किसी भी अच्छे बुक सेलर के पास, उन्होंने ज्यादातर वही बुक्स रखी होती है जो जिनके व्यूज जो है सबसे बेटर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिनके व्यूज बेटर होते हैं ज्यादातर वही बुक्स उन्होंने रखी होती है। तो आप उनमें देखिए कि आपका जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो वहां पे पूरा मतलब वहां पे अवेलेबल है, ठीक है, उस हिसाब से वो बुक आप ले लीजिए और उस बुक को जो है आप बिल्कुल जो कुछ भी है उसमें वो सब कुछ पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी स्टडी मटेरियल ऐसा नहीं है कि हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है, बजाय इसके कि आप जो है सारे स्टडी मेट की तरफ जो है हाँ मतलब इधर उधर क्या बोलते हैं उसमें जो जाओ, तो इससे बेटर है कि जो आपके पास है उसको आप अच्छे से कर लो, ठीक है। मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी, जो आपके पास कुछ भी है, चाहे दो पेजों का स्टडी मेट पड़ा है, चाहे कितना भी पड़ा है, उसको पहले आप क्लियर कर लो सारा, ठीक है। तो ये तो हो गया पीजीटी बुक्स के बारे में। तो कॉमर्स के लिए भी आपको अच्छी सी बुक्स मिलती है तो वो आप ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और मेरा जो तैयारी चली थी मैंने वो नेट के सिलेबस की कोडिंग करी है, तो नेट का सिलेबस मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाई है 1.5 घंटे की। उस वीडियो को बनाने में, उसको टाइप करने में, पहले तो जो स्टडी मैट है वो सारा टाइप करना पड़ता है मुझे, ठीक है, और स्टडी मैट को टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, तो मैंने वो सारा सिलेबस टाइप करके उसमें वीडियो बनाई है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो, ठीक है। तो पीजीटी कॉमर्स के लिए भी जो जो सब्जेक्ट में लास्ट में बताऊंगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल में, एक तो पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस रहता है वो भी मैंने वीडियो बनाई है अलग से, ठीक है, वहां पे भी आप जा सकते हो, और बाकी जो सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट रहते हैं डिटेल में, वो मैंने नेट की वीडियो जो है वो आप जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी बात करते हैं किसके बारे में, ऑलमोस्ट वैसे ये हो गया है सारा, ठीक है, और पेपर डिस्कस कर लेते हैं। और पेपर डिस्कस करने से पहले एक और बात है आपका बुक्स के लिए, हाँ, आपकी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का आप इसमें गूगल पे जाइए, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बुक्स पड़ी है, पीडीएफ फाइल्स पड़ी है उसमें, तो आप यूजी लेवल की जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो बीकॉम की है, चाहे वो आपकी बीएससी की है, बीए की है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें नोट्स के रूप में जो है लाइनें बना के दे रखी है उसमें, नोट्स के रूप में, ठीक है, तो आपके लिए वो भी इजी रहेगी समझने में। तो कुछ बुक्स जो है, 4-5 बुक्स आई थिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में कॉमर्स के लिए डाल दी है, ठीक है, तो आप वहां से भी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उसमें है, और भी बाकी सारी बुक्स है उसमें मैंने डाली है, तो आप वो जरूर जो है वहां से डाउनलोड करके उनको रीड करके अपने जो स्टडी मैट है वो तैयार कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाकी जो आप अपनी तैयारी कर रहे हो वो करते रहिए, ठीक है, वो मत छोड़ना आप। ओके, तो ये हो गया बुक्स के बारे में। और पेपर तो आपको पता ही है कि टोटल जो है 100 मार्क्स का इसमें रहता है, जिसमें कि 50 नंबर के जो है 50 मार्क्स जो है आपके इवेल्युएशन के रहते हैं, और 85 जो है आपके रिटन के रहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप को भी, और ऑब्जेक्टिव टाइप में 85 में से आपके 65 आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, ठीक है, 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के ही रहते हैं उसमें से, और बाकी जो 20 बचे, 20 में से आपके 10 क्वेश्चन एचपी जीके और करंट अफेयर के, और आपके जो 10 क्वेश्चन है वो नेशनल और इंटरनेशनल जीके के रहते हैं, ठीक है। जो एचपी जीके के लिए क्या बुक्स रहेगी, तो देखिए एचपी जीके के लिए देखिए मैं यहाँ पे किसी बुक्स की प्रमोशन नहीं करूंगी बिल्कुल भी, ठीक है, अगर मैं किसी बुक्स का नाम भी ले लेती हूँ तो आप ये मत सोचना कि उसकी प्रमोशन हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप कमेंट में फिर से पूछोगे कि एचपी जीके के लिए कौन सी बुक्स जो है अच्छी रहती है। तो देखिए मैंने जो आज तक जो बुक्स जो है पढ़ी है एचपी जीके के लिए, चाहे वो टेट का एग्जाम है, चाहे वो किसी भी चीज का एचपी रिलेटेड से एग्जाम है, मैंने आकाश पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है, वो सबसे बेटर है, ठीक है, अच्छी है वो, उसमें मुझे अच्छा लगा, मीन लास्ट ईयर के पेपर उसमें सारे ही जो है ऑलमोस्ट उसमें दे रखे हैं, ठीक है, और उसमें मतलब ठीक है वो, ठीक है, वहां सफिशियंट है वो, मतलब एचपी का नॉर्मल जीके के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप एचपी की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैगजीन की तरफ जाना है, एचपी से रिलेटेड जो भी मैगजीन आती है जनरल नॉलेज की, वो आप जरूर कंसिडर कीजिएगा करंट के लिए, ठीक है। और नेशनल की बात की जाए तो नेशनल जीके और करंट अफेयर रहता है, और इसमें आपको पता है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता होगी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको पेपर से ही बता देती हूँ,
आपका सिंधु घाटी सभ्यता होगी, या फिर प्लैनेट के बारे में पूछ ले कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, और ग्रेविटी एंड मोशन मीन इसमें साइंस का भी एक आधा क्वेश्चन रहता है, और आपके जो कंट्रीज है कंट्रीज में से भी, जैसे कि त्रिपोली पूछ रही था कि त्रिपोली जो है कौन सी कंट्री में है, ये भी जो है इंटरनेशनल लेवल का रहता है। नोबेल प्राइज विनर ये पक्के पूछे जाते हैं क्योंकि हर साल मिलते हैं तो इनका क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। और लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है कि जो फला लैंग्वेज है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आई थी, और साथ में आपके जो भी डे रहते हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वो पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड वाटर डे, ये सारे रहते हैं, वो भी रहते हैं, ठीक है। महाभारत एपिक हो गया, एनसीसी कब जो थी इस्टेब्लिश की गई थी, तो ट्राइबल के बारे में, तो ये सारा जो है एचपी सॉरी नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके के बारे में रहता है। और अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में भी जीके में सारा ही कवर होता है इसमें, जैसे कि राजा जो चंबा के राजा थे उनको नाइटहुड की उपाधि कब दी गई, ठीक है। और चिन्मैया जो संदीपनी हिमालय आश्रम है वो हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, डिस्ट्रिक्ट तो पता है कौन सी लेकिन कौन सी जगह पे है, ठीक है, ऐसे डिटेल में मीन जब भी आप ये क्वेश्चन कुछ भी पढ़ोगे तो वो आप बिल्कुल डिटेल में जाके उसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, शिप ब्रीड फार्मिंग जो है कहाँ पे है, जो भी वाइल्ड लाइफ सैनिटरी रहती है हिमाचल की, सारी मोनेस्ट्री रहती है और मेन रिवर्स रहती है, ठीक है, और आपके जो बांध रहते हैं, ठीक है, ये सारे जो है पीक्स रहती है, तो ये सारे जो है आपने ऑलमोस्ट जो है अपनी क्लियर करनी है, और आकाश पब्लिकेशन की बुक्स में ये जो है आपको आराम से मिल जाएगा ये। ओके, तो ये तो था एचपी जीके और इंडिया का नेशनल और इससे रिलेटेड ठीक है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये सभी बाकी कैटेगरी के जो भी सब्जेक्ट है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है आपको ये सारा, ठीक है। तो जो 65 जो आपका सब्जेक्टिव रहता है वो मेन है, ठीक है, हमारे लिए, तो आपने वो अच्छे से करना है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कॉमर्स वालों के लिए जो लास्ट ईयर के जो पेपर रहते हैं, ठीक है, उसमें से मैंने कुछ सब्जेक्ट उठाए हैं कि किन किन जो है आपके बुक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं, तो अभी वही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो रहता है आपका इकोनॉमिक्स का, जो मैं यहाँ पे बुक्स के नाम ले रही हूँ उनसे रिलेटेड डिटेल में सिलेबस आपको एक तो मैंने दे भी रखा है, वैसे जो आपकी इसमें पीजीटी का सिलेबस है उसमें भी दिया मैंने ये, और अगर आपको और डिटेल में जाना है तो मेरी जो नेट सिलेबस की जो वीडियो रहती है वो आप जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है ये, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूं ऑल ओवर मटेरियल की, देखिए आपको तैयारी करना पड़ती है अपने हिसाब से भी, आप अपने लेवल पे कितना कर पा रहे हो वो आप देख लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो आपके पास मटेरियल है वो सफिशिएंट नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप जो है किसी कोचिंग का भी जो है इसमें सहारा ले सकते हो, कोई ऑनलाइन कोचिंग होगी, ऑफलाइन कोचिंग होगी, या फिर आपका जो सोशल मीडिया रहता है यूट्यूब रहता है उसमें से आप कुछ भी जाके वहां पे सर्च करो, ठीक है, अपना जो रहता है आप वहां से कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। तो डिफरेंट सोर्सेज की आपको इसमें हेल्प लेना पड़ती है, और कोचिंग के लिए भी जो है कोई, मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि हाँ कि आपको एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाओ, जी नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जो है सफिशियंट बिल्कुल नहीं होता, कोई भी कोचिंग सेंटर में जो है सफिशियंट स्टडी मेट आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें जो है लैकेज रहती है, वो आपको देखनी है कि लैकेज कहां पे है। ओके, सो मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि मेरा जो टीजीटी सॉरी पीजीटी का जो एग्जाम क्लियर हुआ है मैंने वो अपने बेस पे जो स्टडी करके मीन अपने नोट्स बना के लिए, बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने भी जो है अपने लेवल पे भी स्टडी करी है, अपने लेवल पे भी नोट्स जो है मेकिंग किए हैं, और मैंने डिफरेंट सोर्सेज का जो है यहाँ पे जो है सहारा लिया है, ठीक है, तो वो भी आपको वैसे ही स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन टाइम से बना लेना आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो कमीशन है वो बहुत सालों बाद आता है, और अभी जो रहता है ये कमीशन। और हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो एग्जाम है इसका पीजीटी का, ये आई थिंक मार्च में और होगा, और साथ में जो आपका प्रोफेसर रहते हैं उनका एग्जाम भी मार्च में ही ये होगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिले हो गया है फॉर्म एप्लीकेशन में, तो वो अभी मार्च में आएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, ठीक है, बीच बीच में मुझे कुछ याद आ रहा है तो मैं उसमें ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है, इसके लिए माफी कीजिएगा। और इकोनॉमिक्स का इसमें रहता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो लास्ट ईयर के पेपर है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो 2020 का, वो तो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, ठीक है, वो आप वहां पे देख सकते हो। कोशिश करूंगी जो पेपर मेरे पास पड़ा है इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी।
और इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स में जो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू कंसेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, और जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की एक बुक्स ले लो, वहां से आराम से कर लो, ये सारे ये बढ़िया से हो जाएंगे, ओके। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा तो है नहीं कि कुछ अपडेट होके आएगा, जो रूल्स है वो सेम रूल्स है, वो नहीं बदलेंगे। एक इकोनॉमिक्स के हो गए, एक स्टैटिस्टिक्स के हो गए, ये सारे जो है सेम ही रहेंगे। इनकम टैक्स के भी हो गए, बस इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट आती है उनमें जो है थोड़ा सा बदलाव होता है, ठीक है, कई बार अमेंडमेंट जो है पूछ ली जाती है, बाकी सेम रहता है। और इकोनॉमिक्स के बाद जो है बात की जाए बिजनेस फाइनेंस की, तो बिजनेस फाइनेंस भी जो है आपका पूरा कर लेना है, जिसमें आपका आता है कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक कौन सी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर आता है, और वर्किंग कैपिटल आता है, डिविडेंड डिसीजन जो आता है, डिविडेंड थ्योरी, ठीक है, जिसमें आपकी जो थ्योरीज है, डिविडेंड थ्योरी होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होगी, वो पूछी जाती है, वो आपने इनको अच्छे से करना है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होती है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है, कई बार इसको निकालने के लिए भी क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। और बात की जाए स्टैटिस्टिक्स की, तो फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स जो है आपका रहता है, ये एक स्टैटिस्टिक्स है, नॉर्मल है, मीन मीडियन मोड का, ठीक है, जो आपका सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रहता है, बीकॉम की बुक से आपका ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इसका मीन मीडियन मोड, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन में आपके जो मेन रहते हैं, रेज हो गया, आपका क्वार्टर डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, और मेन स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, उसके फॉर्मूले, और कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, स्क्यूनेस पूछ लिया जाता है, बाउले और कैलिस का मेथड क्या है इसमें, कुटोसिस, कुटोसिस के बारे में थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है ये, कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन और रिग्रेशन, इनकी प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, अच्छे से कर लेनी है। और स्टैटिस्टिकल में जो है, स्टैटिक्स में जो है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके में जो है आपका ये आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने देखा कि जो आपके 2016 की जो पेपर था पीजीटी का, उसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, ओके। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या रहती है वो भी आपने देखनी है, एरर्स ऑफ सैम्पलिंग, टाइप वन एरर क्या होते हैं, टाइप टू एरर्स क्या होती है, तो ये भी आपने जरूर देखनी है, ओके फ्रेंड्स। पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कॉस्टिंग का सब्जेक्ट, कॉस्टिंग में आपने दो मेन है यहाँ पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले जो रहते हैं, चाहे वो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरियंस हो गया, लेबर कॉस्ट वेरियंस हो गया, ठीक है, इनके फॉर्मूले आपने देख लेने हैं, इनके फॉर्मूले अच्छे से आपने लिख लेने हैं, वो याद कर लेने हैं। और जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग रहता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो रहते हैं, चाहे वो आपका पीवी रेशियो है, ब्रेक इवन पॉइंट है, फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मार्जिनल कॉस्टिंग में, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो उसका बनता ही बनता है, ओके फ्रेंड्स। ये कॉस्टिंग का भी आप मेरा, मैंने कहा कि नेट का जो वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ये उसमें भी मैंने और डिटेल में दे रखे हैं सारे, ओके। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो आपके प्लस टू का जो बिजनेस स्टडी रहता है ना, वहां पे आपके मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट हो गए ना, ये वहां पे बहुत ही अच्छे से दे रखे हैं, पूरा डिटेल में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट्स में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आपके जो भी रहते हैं, ये आपके कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, ठीक है, और ये भी कॉल मनी, ठीक है, ये सारे उसमें रहते हैं, ये बहुत अच्छे से दे रखे हैं, वो आप वहां से जरूर कीजिएगा, बेसिक आपका सबसे बढ़िया उन बुक से मतलब कहीं नहीं हो सकता है, क्लियर, ओके। तो ये आपका, और मेन जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो है एक बैंकिंग सेक्टर का आपने देखना है, ठीक है, बैंकिंग का जो बैंक रेट हो गए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो पॉलिसीज रहती है वो आपने देखनी है, और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो मेन रहते हैं इसमें, 1991 की एलपीजी पॉलिसी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो वो आपने जरूर करने हैं कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या चेंज आए थे, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ है, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, और उसमें क्या क्या आता है, तो ये भी आपने करना है अच्छे से। नेक्स्ट है अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग में जो है आपके में बेसिक रहता है, पूरा बेसिक कंसेप्ट, प्लस वन की अकाउंटिंग उठा लो, वो सारा कर लो, उसमें आपके जो भी कन्वेंशन और कंसेप्ट है, ठीक है,
जो परंपरागत जो अवधारणाएं हैं ठीक है, और जो कंसेप्ट है वो सबसे मेन है ठीक है, वो तो आपने करने ही करने, क्योंकि वो सबका बेस रहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये दो मेन चीजें हैं। पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, लेकिन अब आपको पता है कि इंडिया ने भी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने बना लिए हैं ठीक है, तो वो भी आपने जो है इनको पेयर मैच में अच्छे से रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या जो है स्टैंडर्ड आते हैं, तो वो आपने अच्छे से देखने हैं। और पार्टनरशिप, प्लस टू का पार्टनरशिप है, प्लस टू कंसेप्ट है ये, तो पार्टनरशिप अपने पार्टनरशिप डीड्स के बारे में ये सारे अच्छे से कर लेने हैं। पार्टनरशिप का जो है क्वेश्चन आता है इसमें से ठीक है, आपका जब न्यू पार्टनर एंटर होता है तो उसका क्वेश्चन आता है, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ये आपने वहां पे देखनी है। और गुडविल जो है कितने टाइप की होती है, और गुडविल को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। ओके फ्रेंड्स, और मेन नेक्स्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो है यहाँ पे आपका वही आपको प्लस टू की बुक से ही इशू ऑफ शेयर्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ठीक है, इनको रीइशू करना, और काइंड ऑफ शेयर कैपिटल ठीक है। फोर फीट का जो है क्वेश्चन पक्का बनता है, उसका न्यूमेरिकल आप जरूर कीजिएगा, और रीइशू करने का भी आप जरूर न्यूमेरिकल जो है कीजिएगा कि इतने फोर फीट किए, फोर फीट करने के बाद उनको इतने पे रीइशू कर दिया गया, अब कितना जो है पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा या कहाँ पे जाएगा। और एंट्री पूछी जाती है कि बताइए जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको फोर फीट की एंट्री जब होती है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को कौन से अमाउंट से जो है उसको डेबिट किया जाएगा, तो वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। और काइंड ऑफ शेयर कैपिटल ठीक है, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है ठीक है, ये सारे जो है आपने अच्छे से कर लेने हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अमेलगामेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है क्या होती है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या है, होल्डिंग और सब्सिडरी के बारे में भी आपने पढ़ लेना है कि एक कंपनी को जो है होल्डिंग कब माना जाता है, जो कंडीशन है 5-6 वो आपने देखनी है इसमें ठीक है। परचेज कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स ठीक है, परचेज कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स कौन से रहते हैं, लमसम पेमेंट मेथड हो गया, ये सारे मैंने जो है उसी वीडियो में, नेट की वीडियो में मिलेंगे, वहां पे मैंने पूरी डिटेल में लिखे हैं, तो आपने ये देख लेने हैं। रेशो का जो मेन रहता है आपके प्लस टू की बुक्स में, आई थिंक प्लस वन में, प्लस टू की बुक्स में मिल जाएगा रेशो का कंसेप्ट। रेशो वाला चैप्टर कभी मत छोड़ना, दो मेन चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ, एक रेशो, एक मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में सारे आपके ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इनके फॉर्मूले। और रेशियो में जो भी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो ठीक है, ये सारे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ये सारे रेशियो के फॉर्मूले आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बिल्कुल बनते हैं यहाँ पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और फंड फ्लो स्टेटमेंट ठीक है, इनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, इनको कैसे जो है प्रिपेयर किया जाता है, तो ये भी आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का जो है यहाँ पे आपको पता है इस बार तो अच्छे खासे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे इनकम टैक्स से ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है कितनी होती है, उनमें वन आईटीआर वन, आईटीआर टू, ये किसके लिए यूज की जाती है, ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए। पैन नंबर का पूछा था कि पैन में कितने डिजिट होते हैं टोटल तो पता है 10 होते हैं, लेकिन उनमें से अल्फा कितने हैं, न्यूमेरिक कितने हैं, तो ये सब पूछा था, उसमें 6 अल्फा और 4 न्यूमेरिक रहते हैं ठीक है। और इसका रहता है 5 हेड। हाँ, इनकम टैक्स का जो मैंने सिलेबस दे रखा है ना पीजीटी का, उसमें मैंने पूरा इनकम टैक्स का पूरा वहां पे लिख दिया है, मैंने पूरा डिटेल में ठीक है, आप वहां पे देख लीजिएगा। एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस ठीक है, टैक्स रिटर्न्स, एडवांस टैक्सेस और 5 हेड जो मेन रहते हैं टैक्स के, 5 हेड सैलरी ठीक है वो रहता है। और लीगल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें जीएसटी का है, तो फ्रेंड जीएसटी की मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, आज या कल तक वो वीडियो बिल्कुल डल जाएगी, मैंने उसमें पूरे डिटेल में पूरा जीएसटी के बारे में और प्रीवीसी के जो क्वेश्चन आए वो सारे उसमें ऐड किए हैं, वो वीडियो आप जरूर लगाइएगा जब भी कोई एग्जाम हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी वो आपके लिए ठीक है। और इंटरनेशनल बिजनेस से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अंक टाट की डेफिनेशन पूछ ली थी, डब्ल्यू आपका ये वर्ल्ड बैंक है, WTO है, IMF है, इन सबके जो है हेडक्वार्टर्स और इनका पर्पस, किस पर्पस से जो है ये इन बॉडी को सेटअप किया गया है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM रहते हैं आपका। तो बिजनेस मैनेजमेंट में तो आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं, जिसमें दो मेन जो रहते हैं कैरेक्टर आपके, एक हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स और दूसरे आपके FW टेलर के ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया उन्होंने, तो ये सारा आपको प्लस टू की बुक से आपने क्लियर कर लेना है अच्छे से, तो ये आपको वहां पे जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और
इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आपने लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है वो सारा उसी में है, बेसिक है। तभी बोल रही हूँ आप प्लस टू का बिल्कुल क्लियर करके जाइएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या होता है, मोटिवेशन सॉरी मोटिवेशन में मोटिवेशन थ्योरी रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन थ्योरी तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। मैस्लो की थ्योरी होगी, हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजन थ्योरी होगी, मैकलेलैंड की थ्योरी होगी, अल्डफर की ईआरजी थ्योरी होगी, ब्रूम एक्सेप्टेंसी होगी, इक्विटी थ्योरी होगी, और मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और वाई, और एक थ्योरी जेड भी पूछ ली जाती है विलियम ओची की, ठीक है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो मोटिवेशन की थ्योरी और लीडरशिप की भी थ्योरी, ठीक है, तो लीडरशिप के भी स्टाइल्स हैं, ठीक है, वो सारे जो है आपने देखने हैं। और लास्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स रहता है, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स। तो मीन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कैसे होती है और एथिक्स का जो है उनमें क्या रोल रहता है, तो भी आपने थोड़ा सा देख लेना है। अगर बात की जाए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स है उनको कंपनी में रिक्रूटमेंट करना, उनकी सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करने के बाद उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी डेवलपमेंट की जाती है, उनका मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है, उनकी जॉब को फिर बाद में जो है जॉब की इवेल्यूएशन अलग से होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एम्प्लॉयज की होती है, ठीक है, इंसेंटिव प्लान कौन कौन से है, फ्रिंज बेनिफिट्स कौन कौन से है, टेलर ने जो है पीस बेस सिस्टम दे रखा है, ठीक है, तो वो सारे जो है आपको जो है क्लियर होने चाहिए। तो ये सारे आपने जो है बीकॉम की बुक्स और आपकी प्लस टू की बुक्स दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपने अच्छे से ये कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप खुद कर सकते हो ये मटेरियल बिल्कुल अच्छे से तैयार, तो वो भी अच्छे सबसे बढ़िया है। अगर आप किसी अदर सोर्सेज की हेल्प लेना चाहती हो तो वो भी आप टाइम से ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो एक तरह से जो था ये सारा सिलेबस रहता था। हाँ, लीडरशिप की थ्योरी है, लीडरशिप की भी क्रिस मैजिक लीडरशिप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी या फिर सिचुएशनल थ्योरी, लीडरशिप के स्टाइल दे रखे हैं, लिंकट के मैंने आपके लिंकट ने मैनेजमेंट सिस्टम दे रखा है, मैनेजीरियल ग्रिड जो इसमें रहता है, तो ये सारा जो है बेसिक आपका जो है रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ही जो है सिलेबस डिस्कस कर दिया है एक तरह से, कि आपकी जो आपका पीजीटी का जो कॉमर्स का सिलेबस है वो किस किस तरह से रहता है। देखिए, पहले जब पेपर होता था, जैसे 2016 में हुआ था, उस टाइम तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और रिटर्न के मार्क्स वहां पे कंसिडर भी नहीं किए जाते थे फाइनल मेरिट के लिए। वो जस्ट आपका एक क्राइटेरिया होता था कि वो आप क्लियर करो और आप इंटरव्यू में एंट्री लो, ठीक है। तो उस टाइम का जो पेपर और इस टाइम का जो पेपर है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, जो कि आप सबने देखा होगा। अगर किसी को पता नहीं है तो प्लीज आप वो पेपर जो 2020 का है मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, सॉल्व किया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कंपैरिजन का। तो उसमें हमने देखा कि जीएसटी से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन उसमें डाले गए थे। मीन वेटेज जो थी वो बराबर नहीं थी सभी सब्जेक्ट से, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें कि हाँ प्लस वन प्लस टू से इतना परसेंट रखा था। प्लस टू से बेशक वहां पे बहुत कम थे, आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे थे। तो मीन अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि कितनी बेटेज वो रखने वाले हैं, लेकिन हाँ हमारे हाथ में सिर्फ क्या है कि हम अपने हिसाब पे जो है क्या तैयारी है हमारी, हमारा कितना बेस क्लियर है वही हमारे साथ है, ठीक है। तो अपनी तैयारी फुल रखनी है आपने, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, पेपर चाहे जैसा भी हो, ठीक है, हमने तो उसको मतलब क्लियर करना ही करना है, यही आपके दिमाग में होना चाहिए। और मेन बात है कि आप जो है जब भी एग्जाम की प्रेपरेशन करो तो मीन एक फोकस जरूर बनाए रखना कि आपने जो है ये चीज करनी, तो ये चीज करनी ही है, ठीक है। मीन अगर अगर आप दो तीन और चीजें पकड़ ली होगी अपने सब्जेक्ट से बाहर, तो मीन ये चीज नहीं हो पाती है। एक चीज पे फोकस रखिए, उसी पे बने रहिए। हार्ड वर्किंग जरूरी है, स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जो चीजें आपकी क्लियर है उनको बार बार मत रीड कीजिए, लेकिन जो चीजें आपको नहीं आती है उनको क्लियर कीजिए सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि जो चीज आपको आती है वो आप एक बार रिवाइज करोगे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए आप रोज, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो एक कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखिए एग्जाम के लिए, और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए, फोकस रखिए, आसपास अपने पॉजिटिव रखिए चीजों को, ठीक है, तभी हम खुद जो है पॉजिटिव रह पाएंगे और तभी ये चीजें जो है ज्यादा अच्छे से आके निखर के जो है सामने आती है हमारे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है कि जितना मेरे से हो सकता था, ठीक है। और फ्रेंड्स, हाँ
ये चैनल अभी मैं लास्ट में बता रही हूँ, मुझे शुरू में बताना चाहिए था कि इस चैनल में जो है जब मैंने ये क्रिएट किया था 2 मई महीने में अभी इसी साल, तो इस ये मेरी अपनी इच्छा से मैंने चैनल बनाया था ये कि क्या बोलते हैं थोड़ा सा इसमें जैसे कि हमारे घर में बच्चे थे बीकॉम के, तो वो मैं एक्चुअली घर से बाहर हूँ तो वो बोलते थे कि हाँ कि हमें स्टैटिस्टिक्स समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने उनके लिए स्टैटिस्टिक्स की वीडियो बनाई थी, यूट्यूब में डाली है, स्टैटिस्टिक्स पूरा उसमें पढ़ाया था, तो उसके लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव मैंने लिया था। फिर मैंने देखा कि एचपी में हिमाचल का इसमें कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व मतलब नहीं था और कुछ सिलेबस नहीं डिस्कस किया था, तो मैंने सोचा अगर मैं कर सकती हूँ कुछ तो मेरे तरफ से कुछ योगदान हो सकता है, तो क्यों ना मैं इसमें वो सब मतलब उसमें ऐड कर दूं। ठीक है, तो मैंने वो भी थोड़ा सा उसमें वीडियो बनाना शुरू करी। फिर जैसे ही आप लोगों का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिलना शुरू हुआ, ज्यादा आपका साथ मिला, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन हुई कि नहीं मुझे भी कुछ जो है आपके लिए जो बनता है मेरे से जो होगा वो मैं करूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आने वाले टाइम में जैसे कि जीएसटी का और रहता है जीएसटी से वीडियो तो मैं आपको डाल दूंगी। ठीक है, और बाकी कोशिश है मेरी कि कोई टॉपिक उठाऊं, टॉपिक जो पेपर में अपीयर हुए हैं उनसे रिलेटेड थोड़ा सा बेस और साथ में एमसीक्यू, ऐसे मैंने पैटर्न सोचा है। ठीक है, बस मुझे टाइम चाहिए फ्रेंड्स, मतलब जैसे मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में मैं डाल दिया करूंगी। ठीक है, अगर मेरे पास सच में अगर टाइम होगा तो बिल्कुल मैं डालूंगी वो। ठीक है, और टाइम टाइम आने पर आपकी हेल्प जरूर करूंगी मैं वीडियोस के जरिए, यूट्यूब के जरिए, और आपके कमेंट सेक्शन में भी मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी जो प्रॉब्लम्स है वो वहां भी मैसेज करके सॉल्व करती रहूं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ओके, फिर ख्याल रखिए अपना। कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस और ज्यादा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है कंचन डटवालिया ब्लॉग्स, तो वो भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर।